और भाई पुरानी यादें, पुराने दोस्त, क्लासमेट। और भाई क्या हाल है? फेसबुक पे तुम्हारा जलवा है। ए नेता ये। हाँ ठीक है। ये भैया वीडियो बना रहा था। ये भाई मेरे कॉलेज के लड़के, क्लासमेट। अब मैं तो क्लास ड्रॉप आउट कर चुका हूँ, आए हुए हैप्पी न्यू ईयर मनाने। आ जाओ यार, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। अरे कमाल भाई इधर घूमो यार। ये सब है मेरे क्लासमेट, साथ में हम लोग पढ़े हैं लक्ष्य इंटर कॉलेज भिनगा, जिसे श्रावस्ती, और आज आए हुए कटरा श्रावस्ती हैप्पी न्यू ईयर मनाने। ये है हिस्टोरिकल प्लेस सेट मैट स्तूपा, हम लोग चढ़े हुए हैं इस पे। कामयाब है वो हमारे मौर्या जी, माननीय मौर्या जी। और भाई सुनाओ क्या हाल है? ठीक है, बोल दो तुम कि हमारे आओ मौर्या जी, आओ इंट्रोडक्शन दो कुछ अपने बारे में। सामने करो, सामने वाले सामने। वीडियो बनना है, फोटो खींचना है? नहीं नहीं, वीडियो बनाओ। ठीक है, तो सामने क्या सामने तो है, फ्रंट तो है? नहीं, सामने वाला, पीछे, बैक। ओके, तो वीडियो को आप लोगों को चल के दिखाते हैं इसके इतिहास के बारे में। इसका इतिहास कितना पुराना, लगभग 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना इसका इतिहास है। इसका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ये जो मेरे पीछे बोर्ड लगा है, उसी में इसके इतिहास के बारे में बताया गया है, पूरा इतिहास बताया गया है। वो इतिहास था महेट में, और इसको चीनी यात्री फैयान तथा निर्माण शानदार सुधक नाथक पिंडिका द्वारा निर्मित समिति किया गया। इसका कच्ची कुटी नाम एक साधु द्वारा इसके ऊपर एक कच्ची ईंटों से एक दिवाले के निर्माण के कारण पाया। ये उत्खनन अवशेष द्वितीय सती ईस्वी से 12वीं सती के मध्य विभिन्न प्रॉपरली नो इज द रिफर्ड बाय द फेमस द चाइनीज ट्रैवलर फा हियान एंड हुआन त्रान। इट इज द नो इज द कच्ची कुटी इज द व्यू ऑफ द फैक्ट। हिंदी और इंग्लिश के दोनों के बारे में इसको बताया गया है। मैं जा रहा हूँ दूसरी बिल्डिंग पे, ये बिल्डिंग मैं देख चुका हूँ। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं हैप्पी न्यू ईयर बनाने के लिए, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, लखनऊ से भी लोग आते हैं। श्रावस्ती से मैं हूँ, आज बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है। ये रहा कच्ची कुटी स्तूपा। ये इसमें वो लगा दिया गया है लोहे का ग्रिल, ताकि इसके ऊपर कोई चढ़ ना पाए। आज के 8-9 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, जब मैं कॉलेज में था तब ये सब कुछ नहीं लगा था, आप कहीं भी चढ़ सकते थे, कोई रोक नहीं था। बट अब रोकते हैं पुलिस वाले, यहाँ पे जो वॉचमैन होते हैं अब रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जंजर गिरने वाला हो गया है, जर्जर हो गया है काफ़ी, ये जर्जर हो गया है, गिरने वाला भी है, इसलिए नहीं चढ़ने देते हैं। ये बताता है अंगली माल एक डाकू था, उसी का ये स्तूपा है, यहीं पर लोग लूटता था, यहीं पर रहता था। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये है स्तूपा, ये अंगलीमाल डाकू ने बनवाया था। बताया जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ पे जलजला आया था, जिससे ये उलट पलट गया था। यहाँ पे एक बसा हुआ एक बहुत बड़ा शहर था, जो कि जलजले में धंस गया, किसी का श्राप लग गया था। काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ ही दूरी पर
बौद्ध और जैन धर्म का, बुद्ध और जैन धर्म का पवित्र मंदिर भी है, वहाँ भी चल के आप लोगों को दिखाएंगे। एंड यहाँ पे पार्क भी है घूमने के लिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी वहीं घर पर घूमने जाऊँगा। ये स्तूपा पे बेलाव नहीं ऊपर चढ़ने के लिए, पहले होता था चढ़ने जाते थे। और मैं अब जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मेरी जो वीडियो बन चुकी है, ब्लॉग बन चुका है, काफ़ी ऊंचा है भाई ये। ये रंगली माल कोई डाकू हुआ करता था, उसकी गुफा हुआ करती थी, इसी में लूटपाट के लाता था, इसी में रख दिया करता था अपना माल, छुपा दिया करता था। ये रही पीछे, ये लोखन की ग्रिल है, इससे ऊपर नहीं जा सकते, अगर जाओगे तो कानून का वायलेशन होगा। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है इसका दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, अब इसको बंद कर दिया, ताला लगा हुआ है, जाने का अलाव नहीं है, क्योंकि गिर भी सकता है कभी भी, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे लड़की लड़कियाँ दोनों आए हुए हैं घूमने के लिए। और मैं एग्जिट गेट से बाहर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने देख चुका है, ये रहा पार्किंग, ये ब्राह्मण गाड़ी खड़ी कर दी है। और ये पीछे जो दिख रहा है ये है टूरिस्ट बस, यहाँ से लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और इंडिया ही के लोग नहीं, यहाँ पे थाईलैंड, बर्मा, जापान, चीन के लोग भी आते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ ये धार्मिक स्थल भी है, धार्मिक स्थल, ये बौद्ध और जैन धर्म का धार्मिक स्थल भी है। कुछ साल पहले हम लोग जब आया करते थे यहाँ पे तो ये रोडें नहीं थी, कच्ची थी, कोई भी आया जाए कोई उपयोग नहीं था, लेकिन अब तो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, दूर दूर से लोग काफ़ी इसको देखने आते हैं। मेरे पीछे है वो टूरिस्ट बस है, पता नहीं कहाँ के लोग आए हुए हैं। और आज हैप्पी न्यू है, नया साल लगा हुआ 2020, इसलिए दूर दूर से लोग काफ़ी आए हुए हैं, और मैं भी आज आया हूँ। तो मैं अब जा रहा हूँ पार्क, आप लोगों को पार्क दिखाते हैं, वो भी देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मेरे गांव के बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे गांव के बच्चे यहाँ पे हैं, वो देखिए पीछे इस स्तूपा पे चढ़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इंट्रोडक्शन।